हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन 2022-23 सेशन के लिए होने वाला है और वो भी नीट यूजी 2022 के थ्रू, तो उसका आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टोटल कितने कॉलेजेस लास्ट ईयर थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस साल जो है कितनी सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं और क्या आपका प्रोसेस रहेगा नीट के थ्रू, तो वो सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उस डिस्कशन को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नीट यूजी काउंसलिंग का जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और बाकी जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में कैसे आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, तो उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको टाइम टू टाइम यहां चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, तो ये जो बेसिकली प्रोस्पेक्टस है ये 2021 वाला है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था एमसीसी की काउंसलिंग का, तो वो है ये। ठीक है, तो उससे हम लोग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट ईयर के देखने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जो है इस साल के लिए कॉन्क्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो चैप्टर 11 जो है इसमें दे रखा है बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें लिखा था कि एमसीसी ऑफ डीजीएचएस एमओएच एफडब्ल्यू विल बी कंडक्टिंग काउंसलिंग फॉर सम इंस्टीट्यूट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2021-22। एमसीसी विल कंडक्ट 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इन ऑनलाइन मोड, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी एंड सेकंड मॉपअप राउंड। ठीक है, द रूल्स फॉर कंडक्शन ऑफ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग विल बी सेम एज बीडीएस काउंसलिंग। ऑल द कैंडिडेट्स हू हैव क्वालिफाइड नीट यूजी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन नीट यूजी कंडक्टेड बाय एनटीए इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी वो आपकी 5 राउंड्स के लिए बोला गया था, लेकिन बेसिकली लास्ट में 6 राउंड्स हुए थे। ठीक है, क्योंकि 5 राउंड के बाद भी कुछ वैकेंट सीट्स बच गई थी। तो ये इस साल भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, आपकी नीट यूजी की जो काउंसलिंग है उसमें आपके लिए बीएससी नर्सिंग का भी एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पे जो है अपनी काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर जो है बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा से कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी कट ऑफ रैंक गई थी, वो हम लोग जो है अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, तो मैं आपको एक रैंक का आइडिया बता दूंगा, साथ में हम लोग उसके मार्क्स का भी कंपैरिजन कर लेंगे कि लास्ट ईयर में जो है इतने मार्क्स पर इस कैटेगरी के कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट की गई थी। ठीक है, तो इस साल जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है। ठीक है, बाकी यहां पर जो है कुछ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया है, जैसे एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और बाकी कुछ सीडब्ल्यू सीट्स रखी गई है यहां पर। ठीक है, तो इसके बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और एनसीआर दिल्ली के लिए जो दिल्ली एनसीआर है उनका भी एक अलग से कोटा रखा गया है, तो उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व की गई है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी नॉर्म्स फॉर बीएससी नर्सिंग आर अटैच्ड। ये तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर अगर हम सीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स जो है वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगा कि टोटल कितनी सीट्स कैटेगरी वाइज थी। अभी हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस थे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो पहला जो कॉलेज है वो है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जिसे हम एपकॉन बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये भी न्यू दिल्ली में है और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ठीक है, और यहां पर जो है 15% नेशनल सीट्स है, यानी कि 15% जो टोटल सीट्स थी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए थी और जो 85% सीट्स थी वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए थी, यानी कि जिनका दिल्ली का जो है आपका क्या बोलते हैं डोमिसाइल है। ठीक है, तो दिल्ली कोटा की 85% सीट्स थी। उसी तरीके से नेक्स्ट जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये भी फीमेल्स के लिए था और यहां पर 100% नेशनल सीट्स थी। यहां पर जो है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया था जैसे ऊपर वाले कॉलेज में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी न्यू दिल्ली में, ये भी 15 इसमें भी क्या था ओनली फीमेल्स के लिए ये। ठीक है, और इसमें भी 15% नेशनल सीट्स थी और 85% दिल्ली कोटा था। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में, ये भी फीमेल्स के लिए था लेकिन यहां पर जो है 100% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए यहां पर रिजर्व रखी गई थी। बाकी जो राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली है, ये भी फीमेल्स के लिए और यहां पर भी 100% जो सीट्स थी वो नेशनल कोटा के लिए थी। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, तो यहां पर भी फीमेल्स के लिए ही था ये जो कॉलेज था और यहां पर भी जो 100% ऑफ टोटल सीट्स हैं वो नेशनल
कोटा के लिए ही रखी गई थी, ठीक है, नेशनल सीट थी। उसके बाद सेवन्थ जो नंबर पे कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये यूपी में है। तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए था, और यहाँ पर जो टोटल सीट्स थी वो नेशनल यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रखी गई थी। और उसके बाद लास्ट कॉलेज है भोपाल नर्सिंग कॉलेज, जो कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के अंदर है। तो ये एमपी में है और ये भी मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स के लिए था, और यहां पर भी जो टोटल सीट्स थी 100% वो नेशनल सीट्स थी, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो सिर्फ लास्ट ईयर टोटल 8 कॉलेजेस थे, जिसमें दो कॉलेजेस सेवन्थ और एट्थ नंबर का जो कॉलेज है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए था, ठीक है, और बाकी कॉलेज जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थे, क्लियर है। अब उसके बाद जो है यहां देख लेते हैं, तो ये 8 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से इस साल जो है कॉलेजेस इसके इंक्रीज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के, क्योंकि अभी आईपीयू का भी कल एक नोटिफिकेशन आया है जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है, तो उससे रिलेटेड उससे एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो भी जो काउंसलिंग है उनकी वो नीट के थ्रू ही होने वाली है इस साल, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में लिखा है कैसे करना है, अब मैं आपको एक इसके थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इसकी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होगी। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे एमसीसी की वेबसाइट में, मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग का, ठीक है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे लास्ट ईयर दिए हुए थे उसके पोर्टल पे, जैसे पहला हो गया ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, फिर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गया यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, उसके बाद आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसके बाद जो था ओपन सीट यानी कि एम्स हो गया, जैसे बीएचयू ओपन हो गया, एएमयू ओपन हो गया और जिपमर हो गया, ठीक है, फिर लास्ट वाला था इसमें बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है इसमें से आपको या तो मिनिमम एक सिलेक्ट करना है और बाकी मैक्सिमम आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा है, अगर सपोज आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा रहे हो एमबीबीएस कोर्स के लिए, ठीक है, प्लस आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं बीएससी नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग करा लूं बीएससी नर्सिंग के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपकी जितने भी आप यहां पर ऑप्शंस चूज करोगे उतनी फीस आपकी एड अप होती जाएगी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो 10,000 रुपीज जो थी वो सिक्योरिटी फीस थी और 1,000 रुपीज जो थी वो रजिस्ट्रेशन फीस थी यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए भी 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस थी और 10,000 रुपीज जो थी सिक्योरिटी फीस थी। तो अगर आपने दो ऑप्शंस चूज करे तो आपको 22,000 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो लास्ट ईयर फीस थी वो 2,05,000 रुपीज थी, यानी कि 2,00,000 उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट था और 5,000 रुपीज का क्या था आपकी रजिस्ट्रेशन फीस थी। उसी तरीके से ओपन सीट के लिए भी 11,000 रुपीज थी। तो जितने आप ऑप्शंस यहां पर सिलेक्ट करोगे, जितनी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, मतलब ये जो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो उतना ही अमाउंट आपका एड अप हो जाएगा टोटल काउंसलिंग के लिए, क्लियर है। तो आप ये सोच लेना कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग करानी है और ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग करानी है तो आपको जो है डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लास्ट ईयर ये अमाउंट 22,000 रुपीज था, जिसमें आपकी 2,000 रुपए हजार रुपए दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस थे और 20,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपीज पर कोर्स जो है वो आपकी सिक्योरिटी डिपोजिट थी जो कि आपको बाद में वापस कर दी जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा इस साल का भी। फीस में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाए और सीट्स भी इस बार इंक्रीज हो जाएंगी बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो जहां जहां से जो भी इसके अपडेट्स आएंगे कि जो भी मतलब जिस कॉलेज में भी सीट्स इंक्रीज होंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी लास्ट ईयर जो कॉलेजेस अभी हमने देखे टोटल 8 कॉलेजेस जो थे उसमें टोटल कितनी सीट्स थी, ठीक है, ये वाले जो कॉलेजेस अभी हमने देखे थे, ठीक है, तो इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स थी इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जो है इसकी कट ऑफ रैंक कितनी गई है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से, क्लियर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को प्रोवाइड करनी थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे और जो एमसीसी काउंसलिंग करवाएगा नीट यूजी 2022 की, तो उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे आपको सरकारी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना।